रुको रुको महाराज, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलो, अब तो जो होना तो हो गया, अब तो इन सब बातों को अर्थ नहीं। दोषी नहीं भाई, बीजेपी ने क्या कहा कांग्रेस ने क्या, छोड़ो अब तो मुकदमा वकील साहब लड़ेंगे, जब साहब छोड़ेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं तो वही सत्यनारायण कथा करो। अरे रुको यार, जनता कुछ से कुछ हो रहा क्या भाई साहब, जनता कर लेगी, लोकतंत्र है, जेल का फाटक जेल अदालत से खुलेगा मित्र, ऐसा थोड़ी आम आदमी पार्टी का यूज तय कर ले, बोले आज सब कुछ उड़ा लेंगे, कोई लूट मचिए के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शासन तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 100 से नहीं चलेगा, लिख लीजिए मेरा अनुभव कह रहा है, इसलिए थेतरी बंद करिए कि जनता ने हमको चुना। कल हमसे एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, जोशी साहब आप भी सुनिए, आप अध्यापक भी रहे, उसने कहा भाई साहब हम एक दिन जेल रहे आए हमारी नौकरी चली जाती है क्या। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से अमिताभ अग्निहोत्री की एक और शानदार डिबेट में। शराब घोटाले मामले में फिलहाल अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है, इसी शराब घोटाले के चलते संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया है, तब यह डिबेट वीडियो है। अमिताभ अग्निहोत्री आम आदमी पार्टी की नेता और केजरीवाल के मजे लेते हुए कहते हैं कि आपके 3 मंत्री जेल में जा चुके हैं, लगता है अब आपका ही नंबर है, लेकिन उनका नंबर तो आ ही गया है, यह बात अमिताभ अग्निहोत्री ने पहले ही कर दी। डिबेट में आप देखेंगे कैसे अमिताभ अग्निहोत्री अरविंद केजरीवाल और उनके नेताओं के जमकर मजे ले रहे हैं। डिबेट आप पूरी देखना, आपको डिबेट में बहुत मजा आएगा। चलिए हम डिबेट स्टार्ट करते हैं। तकी साहब, 2015 में अरविंद जी ने सोमनाथ भारती को कहा था कि ये बेशर्मा है, मैं ये पार्टी के लिए शर्मनाक स्थिति पैदा कर रहा है, क्यों भाग रहा है पुलिस से, इसको गिरफ्तारी देनी चाहिए, कानून का सम्मान करना चाहिए, हम लोग तो भगत सिंह है, दूसरे रास्ते के लोग हैं। और जब अपने पे आई तो बोले भाग मिल्खा भाग, जेल में नहीं, वो ईडी की जुडिशियल कस्टडी में, जेल में होना और जुडिशियल कस्टडी में होना बहुत फर्क बात है। जब कस्टडी में तो आरोप सिद्ध नहीं हुआ है, आरोप लगा है, आरोप लगाना बहुत आसान है, किसी आरोप लगा, मैं आपसे आरोप लगा दूं, ठीक, क्या आपने मुझे डिबेट बुलाने के लिए मुझसे 1,00,000 रुपए लिए, ठीक, आपसे ठीक, केबिनेट मंत्री जी ने 1,00,000 रुपए लिए मुझे डिबेट बुलाने के लिए, ठीक करना पड़ेगा उसको, ठीक भैया, ठीक आरोप लगा, ठीक भैया। अरे रुको रुको महाराज, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे चलो, अब तो जो होना तो हो गया, अब तो ये सब बातों कोई अर्थ नहीं, दोषी नहीं बीजेपी ने क्या कहा कांग्रेस ने क्या, छोड़ो अब तो मुकदमा वकील साहब लड़ेंगे, जज साहब छोड़ेंगे तो बाहर आएंगे, नहीं तो वही सत्यनारायण कथा करो। अरे रुको यार, जनता कुछ से कुछ हो रहा क्या भाई साहब, जनता कैसे तय कर लेगी, लोकतंत्र है, जेल का फाटक जेल अदालत से खुलेगा मित्र, ऐसा थोड़ी ना कि आम आदमी पार्टी का यूथ विंग तय कर ले, बोले आज सबको छोड़ा लेंगे, कोई लूट मचिए ना ना ना, जस जज छोड़ेंगे तो छूटेंगे, नहीं तो जेल में ही रहना होगा। और वो तीन लोग, कोई हमसे कह रहा था वो तीनों प्रसन्न है, कह रहे चलो अब कम से कम मोनोटोनी खत्म हुई, नेता भी हमारा आ गया, अब हम लोग बैठ के चर्चा कर सकते हैं देश के विकास के लिए आगे क्या करना है तिहाड़ में। लेकिन वो बालक जरूर डर रहा होगा जो रेपिस्ट फिजियोथेरेपिस्ट था, नहीं मसला वो कि जो अपोजिशन रूल्ड स्टेट्स हैं, हमको वहां भी केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ जन ज्वार सड़कों पर नहीं दिखा कि चीफ मिनिस्टर में कैबिनेट सड़क पर मार्च कर रहे हैं और हाहाकार मच गया है और लग रहा है कि भारत में एक नई इबारत लिख गई, ऐसा हमको किसी राज्य में नहीं दिखा। क्यों अमिताभ को 100 करोड़ का घोटाला, 1,000 करोड़ का घोटाला, ईडी सीबीआई प्रधानमंत्री को माननी भेजनी चाहिए, सारे काम भी सुप्रीम कोर्ट करेगा, इतना बड़ा घोटाला कोई बोल नहीं रहा है, 100 करोड़ का हाहाकार मचा दिया, सारे टीवी चैनल दिखा रहे हैं सुबह शाम रात दिन, और अभी 10 दिन और दिखाएंगे, क्योंकि बॉन्ड वाले को दबाना है, बॉन्ड की चोरी डकैती को दबाना है, उन लोगों को बुलाया जाए जिन्होंने पैसा दिया, क्यों दिया है और किस वक्त दिया, किस वक्त उनको ईडी पहुंची, कितने दिन बाद पैसा दिया, ये चर्चा का विषय होना चाहिए आपके दम में। और मैं कहूँ आप अच्छे पत्रकार हैं तो उसकी चर्चा करो, मैं भी आपको सलूट करूंगा, क्योंकि आपने अच्छी बात की, ठीक है, देश के लिए संविधान के लिए, ठीक है, जब करेंगे तो आपको बुलाएंगे जगदीश भैया, जब उसकी चर्चा करेंगे तो आपको बुलाएंगे, आप धैर्य रखो, आपका विषय में समझ गया, आपकी रुचि केजरीवाल में नहीं, बोलो सर जेल जाए चाहे कहीं जाए, 10 लाठी ज्यादा खाए, मेरे क्या फर्क पड़ रहा, आप हम कांग्रेस को जानते हैं, कांग्रेस तो दूसरे को सूली पे चढ़ा के भाग जाती भाई, वो कह रहे हमसे इस केजरीवाल से मतलब नहीं, तकी देख लो कांग्रेस को जानते, अरे रुको भाई, ठीक अब इनकी आवाज बंद कर दीजिए, ठीक आगे आवाज आगे बात, अब मैं एक बात कहता हूं, बॉन्ड के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गए थे लोग, सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे सबके सिर माथे, कोई भाग सकता है क्या, खेमचंद भाग सकते हैं नहीं ना, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे ताकि इन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करो जेल भेजो तो भेज गए दीदी होते, नहीं तो राहुल गांधी जाए बॉन्ड के खिलाफ। लेकिन मसला एक और भी है,
रुकना, आप ऐसे ना करो, मेरी बहस में सब शोभा नहीं देता, वो आप लोग दूसरे चैनलों के अभ्यस्त हो जहाँ चिरकुटाई होती है, नहीं। खेमचंद, मुझे लग रहा मसला ये है कि एक्स ने तीन पार्टियों को पैसा दिया, क्या एक को 10 रुपया दिया, एक को 7 रुपया दिया, एक को 5 रुपया दिया, क्या बोले 10 वाले को भाषण चढ़ा दो, हम 7 और 3 वाले इधर गुलगुले खाएंगे, क्या देने वाला एक, करेंसी एक, क्या आज अब ड्रामा हो रहा अभी, और छोटे भैया भी पा गए, छोटे छोटे दल, जिसकी जितनी थानेदारी वो उतना पंजीरी खा रहा है और गुलगुला खा रहा है और बातें और ज्ञान भी दे रहा है, नहीं एक कंपनी ने 3-4 दलों को पैसा दिया, एक अस्पताल ग्रुप ने 4 जनों को पैसा दिया, क्या अरे भाई आप ये तो सब जानते हैं, जब आपकी इतनी कमजोर स्थिति है फिर भी अगर आपको कोई 10 रुपया भी दे गया तो खुश होना चाहिए, भाई चलो हमको इस लायक तो रखा, हमारे माथे पे तिलक तो किया, अब सबको तो सोने का सिक्का नहीं देगा आदमी, भाई कहीं भी शादी ब्याह में भी आदमी जाता है तो सबको सोने का सिक्का नहीं मिलता, कुछ की मिलनी 11 रुपया से भी होती है। अब कांग्रेस इसमें बहस करने में समझ नहीं पा रहा, आज मैं उस विषय को लाना नहीं चाहता, उस पर मैं चर्चा कर चुका, लेकिन वो कांग्रेस केजरीवाल पर चर्चा नहीं करना चाह रही, उसकी रुचि नहीं केजरीवाल जेल जाए, अनंत काल तक जेल में रहे। सिसोदिया के लिए कांग्रेस का ने क्या प्रयास किया, कब रोई, वो भी भगत सिंह था आम आदमी पार्टी का, केजरीवाल का जो कार्यक्रम हुआ है इसमें इंडिया अलायंस क्या करेगा, मैं जानना चाह रहा हूं। मैं बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, माननीय अरविंद केजरीवाल जी निर्दोष है, उनको न्यायालय के द्वारा न्याय मिलेगा, पूरा हमें न्यायालय पे पूरा भरोसा है, अभी भी इलेक्ट्रॉन वोट पे जो न्याय मिला है हमें ये भाजपा की मेहरबानी से नहीं मिला है, ये केवल न्यायालय के मेहरबानी से। ठीक जोशी जी, ठीक है, आम आदमी पार्टी को समझ लेना चाहिए, समाजवादी पार्टी ने अपने आशीर्वाद दे दिया है, उतने तक सीमित रहो कि भैया हमें उम्मीद है ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करो, क्या और बाकी तिहाड़ में आप झेलो, क्या उन्हें कह दी कि हमारी क्रांति पूरी हुई, जो क्रांति हम लाना जा रहे थे तकी साहब वो पूरी हो गई, बोले सब ठीक हो जाएगा, अदालत से चिंता नहीं करो, जाओ अब जिस पे बीते सो ही जाना है, समाजवादी पार्टी ने तो हाथ झाड़ लिया, बोले हमने क्रांति ला दी, जाओ बेटा भोज लो। अब वो तो केजरीवाल जान रहा है, सिसोदिया का चेहरा नहीं दिख रहा उनको है, और सत्येंद्र जैन 24 महीने से अभी भजन कर रहे हैं वहां, तो आदमी जाने से पहले डरता है कि भैया जो गया सो बाहर नहीं आया, मैं अंदर जाने वाला हूं। लेकिन समाजवादी पार्टी ने देखिए कितना अच्छा कहा, बोले भाई सब अच्छा हो जाएगा, डोंट वरी। ये ऐसे गठबंधन चलाओगे, इंडिया अलायंस ऐसे चलाओगे, इतनी श्रूडनेस के साथ कि भाई हमने तुम्हारे लिए ट्वीट कर दिया, बाकी तुम जानो, सड़क पर नहीं उतरोगे ना, गाल बजाएंगे सड़क पर नहीं उतरेंगे। केजरीवाल के पास तो चलो कार्यकर्ता नहीं है सब जगह, आपके पास तो सब उत्तर प्रदेश में भारी कार्यकर्ता है ना, कांग्रेस तो कहती है हमारे पास देश भर में राहुल जी के पास करोड़ों लोग हैं, उतार देते सड़क पर करोड़ों लोग, केजरीवाल की भी छाती थोड़ा सा फूलती, सिसोदिया को भी अंदर बैठे कुछ ढांढस बनता कि शायद अब मेरे भी रिहाई के दिन आएंगे, क्रांति आ चुकी है, करना नहीं चाहते। खैर, कोर्ट ये कह देगा कि केजरीवाल सच्चे हैं, मैं कह दूंगा भाजपा के आरोप झूठे हैं, कोर्ट कहेगा नहीं ये अंदर रहेंगे, मैं मान लूंगा आरोप सही है, तकी साहब के कहने से कोई फर्क नहीं। ठीक, मेरी कसौटी अदालत है, आम आदमी पार्टी क्या कह रही इससे फर्क नहीं पड़ता, भाजपा क्या कह रही इससे भी फर्क नहीं पड़ता। राजनीतिक तौर पर जो आप कस्मे वादे प्यार वफा के कर रहे थे अभी कल तक, जरा सा लोड पड़ा आप तो भाग गए सब लोग छोड़ के केजरीवाल को, अब मैं केजरीवाल के साथ खड़ा हूं, भाग गए, बोले यार कर तो दिया ट्वीट रात में, अब जान क्यों खाए हो, क्यों खाए हो, बार बार फोन करा रहे हो, क्या ऐसे मदद करेंगे, ऐसे एकता बनाएंगे? इसीलिए लालू यादव ने बिहार में कांग्रेस को टाइट कर दिया, वो जानते हैं ना। अब विषय आता है कि जेल से सरकार चलाएंगे, मैं बता दूं थेतरई कुछ हो, ट्विटर पर कुछ हो, टीवी पर बाइट कुछ आए, लिख लेना मेरी बात, ताकि भाई
जेल से सरकार चलाने की नौबत नहीं आएगी। क्या लिख लीजिए, या तो अरविंद केजरीवाल इस्तीफा देंगे या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगेगा। लिख लीजिए तकी साहब, बात अच्छी लगे या खराब, भारत के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का शासन तिहाड़ जेल की बैरक नंबर 100 से नहीं चलेगा। लिख लीजिए, ये मेरा अनुभव कह रहा है। इसलिए थेतरी बंद करिए कि जनता ने हमको चुना है। कल हमसे एक सरकारी कर्मचारी ने कहा, जोशी साहब आप भी सुनिए, आप अध्यापक भी रहे, उसने कहा भाई साहब हम एक दिन जेल रहे आए हमारी नौकरी चली जाती है, क्या एंशन पेंशन सब बंद। अब बोले ये कुर्ता वाले ने, मोटी खाल के लोग ये कह रहे हम जेल से सरकार चलाएंगे। अब ये तो थेतरई का हिमालय हो गया। पोस्टमैन जोशी साहब, पोस्टमैन जेल में चला जाए तो नौकरी से गया, जिला अस्पताल का कंपाउंडर जेल में चला जाए नौकरी से गया, राजकीय इंटर कॉलेज का मास्टर जेल चला जाए नौकरी से गया, सिपाही जेल चला जाए नौकरी से गया जोशी साहब। लेकिन कुर्ता पहन लेने वाले कह रहे कि हम जेल में रहेंगे, जेल की रोटी खाएंगे और फाइल जेल में मंगाएंगे। मतलब आप लोगों को कोई शर्म भी नहीं है, कोई लिहाज भी नहीं है कि इस तरह की बातों का भारत के मन पर क्या असर पड़ेगा। अरे ये हिम्मत तो लालू जी ने भी नहीं की, वो भी रावड़ी जी को सौंप के गए। आपसे अच्छा तो हेमंत सोरेन है मोहम्मद तकी, जिसने ठीक है वो गायब हो गया, उसने भी एक इतिहास बनाया कि उत्तर के भारत का कोई मुख्यमंत्री लापता हो गया, इतिहास बनाया। लेकिन 48 घंटे में उसको समझ आ गई कि भाई ज्यादा नहीं चलेगा ये, है इस्तीफा दिया ना फिर जेल गया। आप तो गजब हो,